दर्शकों और पाठकों से जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज ने एक बड़ी पहल की है। ताजा खबर को लेकर दर्शक अब हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। www.abpengage.in पर जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके जवाब हमारी वेबसाइट और टीवी पर रोज दिखाए जाएंगे। मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों और नाकामियों को लेकर दर्शकों ने हमसे ढेरों सवाल पूछे हैं। मुरादाबाद से मुकेश ने पूछा है कि 4 साल में मोदी ने क्या किया, तो जवाब है कि कई नई योजनाएं शुरू हुई। नोटबंदी के सहारे काला धन को खत्म करने की मुहिम शुरू की गई, जीएसटी लागू किया गया, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू की गई, करोड़ों शौचालय का निर्माण किया गया, उज्ज्वला योजना ने गांव की महिलाओं का जीवन सुधारा। शाहजहांपुर से किशन बहादुर ने पूछा है कि मोदी जी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए इन 4 सालों में क्या किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने भविष्य में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थ कवर का दावा दिया है। उज्ज्वल योजना ने 3.5 करोड़ घरों को गैस कनेक्शन दिए हैं। जनधन योजना में 31.5 करोड़ लोगों के खाते खुले। देश को अगले साल तक खुले में शौच से मुक्त करने का भी वादा सरकार ने किया है। प्रतापगढ़ के प्रवीण तिवारी ने पूछा है कि मोदी सरकार ने 4 सालों में कितने रोजगार युवाओं को दिए, तो जवाब है कि शुरुआती 2 सालों में मोदी सरकार ने 8 बड़े सेक्टर में 5,56,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिलहाल देश में लगभग 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मुद्रा योजना के जरिए सरकार युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है और लोन दे रही है। हमारे दर्शक संजू गुप्ता और जावेद मोहम्मद ने पूछा है कि 15 लाख हर खाते में जमा कराने के मोदी सरकार के वादे का क्या हुआ। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रैलियों में कहा था कि अगर तमाम देशों में जमा काला धन वापस देश में आ जाए तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएंगे। अमित शाह कह चुके हैं ये एक जुमला था, खाते में पैसा जमा कराने की योजना नहीं थी। दिल्ली की विपिन गुप्ता ने पूछा है कि मोदी राज में कितना काला धन वापस आया, तो जवाब है कि ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के तहत 4100 करोड़ का काला धन, आईटी डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत 67,300 करोड़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 4,900 करोड़ का काला धन और HSBC ब्लैक मनी केस में 8,448 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ। www.abpengage.in पर जाकर आप भी सवाल पूछ सकते हैं। आपके जवाब हमारी वेबसाइट और टीवी पर रोज दिखाए जाएंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।